हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एफिड्रीन और इसके आज हम स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन करेंगे। एफिड्रीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे OH, यहाँ NH, CH3 और दोनों साइड लगा देंगे HH। ये होता है हमारा एफिड्रीन का स्ट्रक्चर। अभी सबसे पहला पॉइंट कि ये हमें मिलता है प्लांट एफिड्रा से, ठीक है, और ये यूज़ होता है हमारा ब्रोंकियल ट्रीटमेंट में, अस्थमा के, ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं है, सीधा आते हैं इसके स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन पे। स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H15NO, ये इसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन के लिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड आप सबको पता है HNO2, ये होता है हमारा नाइट्रस एसिड। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं C10H14NHO। इसको ऐसे अगर मैं लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं पता तो कैसे भी लिख सकते हो आप लोग। HNO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमें मिलता है नाइट्रोसो डेरिवेटिव C10H14ONNO, साथ में वाटर। ये क्या होता है हमारा नाइट्रोसो डेरिवेटिव। इसके बाद सेकंड, जब आप इसकी बेंजाइलेशन कराओगे तो हमें क्या मिलता है, डाइबेंजाइल डेरिवेटिव। डाइबेंजाइल डेरिवेटिव मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमारा प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है विद NH ग्रुप, ठीक है। हमने बेंजाइलेशन कराया, कुछ पता भी तो चलेगा कि बेंजाइलेशन से हो क्या रहा है। इससे पता चलेगा कि हमारा प्राइमरी OH ग्रुप है और NH ग्रुप है। इसकी रिएक्शन देखते हैं C10H13OHNH, वही उसी फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे। इसकी बेंजाइलेशन कराओगे, बेंजाइलेशन के लिए C6H5COCl ये डालोगे, क्या बनेगा C10H13ONCOC6H5 का होल ट्वाइस। यही होता है हमारा डाइबेंजाइल डेरिवेटिव, ये डाइबेंजाइल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। इससे क्या पता चलेगा कि हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। रिएक्शन कराते हैं C10H15NO, ऑक्सीडेशन कराई नॉर्मली तो C6H5COOH हमारे को मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जब हम इसको हीट कराएंगे HCl के साथ, हीटिंग विद HCl के साथ जब आप लोग हीट कराओगे तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा, मिथाइलमीन साथ में प्रोपियोफिनोल। इससे क्या पता चलेगा कि आपके पास क्या है, इसके अंदर NHCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी भी रिएक्शन देखते हैं C10H15NO, HCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे हीट करके CH3NH2, ये हमारा मिथाइलमीन हो गया, साथ में प्रोपियोफिनोल क्या होता है C6H5 COCH2CH3, ये होता हमारा प्रोपियोफिनोल, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे हमें कोनीन के दो स्ट्रक्चर मिले थे ऐसे ही एफिडीन के भी दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखते हैं दोनों स्ट्रक्चर क्या है। तो हमको ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब इन दोनों में से हमें पता करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा है एफिडीन का सही और कौन सा हमारा एफिडीन का स्ट्रक्चर गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट कराते हैं हम HCl के साथ, स्ट्रांगली हीट कराएंगे। अभी करी थी हमने एक और रिएक्शन HCl के साथ, बट अब इसको स्ट्रांगली हीट कराया है HCl के साथ। तो हमारा वही एक तो मिथाइलमीन बनेगा CH3NH2, साथ में C6H5CO
CH2CH3 बनता है, और साथ में एक फिनाइल एसीटोन भी बनता है CH3CH2COCH3। सो यहाँ C6H5 आएगा, फिनाइल एसीटोन है ना, तो ये बनता है। तो इससे ही हमें पता चलता है इस वाली रिएक्शन से कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है करेक्ट है और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा गलत है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब फर्दर स्ट्रक्चर जो कन्फर्म होता है वो होता है हमारा सिंथेसिस के साथ। तो इसकी सिंथेसिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ये इसके नोट्स आप लोग वीडियो पोस्ट करके भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF शेयर कर दी है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे और भी बाकी बहुत सारे यूनिट्स के नोट्स हैं, आप वो भी एसेस कर सकते हो। आपको कोई और चाहिए आप डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे ले सकते हो, मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ अमाउंट उसके लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।